नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। 1 जून से 30 जून तक बंद रहेंगे सभी स्कूल, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। तो गर्मियों की छुट्टियां जिनका बच्चे करते हैं इंतजार, उनका ऐलान हो गया है। आपको बता दें कि चिलचिलाती धूप और बढ़ते टेम्परेचर के बीच बच्चों को और अभिभावकों को राहत। 1 जून से 30 जून तक बंद रहेंगे सभी स्कूल, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। तो शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। लगातार चिलचिलाती धूप और बढ़ते टेम्परेचर की वजह से बच्चों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। चिलचिलाती धूप में बच्चे जा रहे थे, बीमार पड़ रहे थे, अभिभावकों को भी चिंता हो रही थी। और इसी पर अब आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से ऐलान कर दिया गया है गर्मियों की छुट्टी का। इस सब से इंतजार रहता है बच्चों को, अभिभावकों को, छुट्टियों में घूमने भी जाते हैं। तो ऐलान यहां पर कर दिया गया है, गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान हो चुका है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, छात्रों और अभिभावकों के लिए बड़ी खबर। स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। रवि चंदेल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, चिलचिलाती धूप और बढ़ते टेम्परेचर के बीच छात्रों और अभिभावकों को राहत, गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। निश्चित तौर पर मोनिका, जिस तरीके से लगातार जो है वो पारा बढ़ता जा रहा था, जिसके मद्देनजर जो है खासी परेशानियों का सामना जो है न सिर्फ बच्चों को बल्कि अभिभावकों को भी करना पड़ रहा था, जिसके चलते अब जो है वो शिक्षा विभाग द्वारा 1 जून से 30 जून तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों को जो है वो छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। और साथ ही साथ जिस तरीके से जो टैब्स बांटे गए हैं, उन टैब्स के जरिए 10वीं और 12वीं के बच्चे जो है वो ऑनलाइन शिक्षा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। जी, यानी कि सभी चीजें एक रणनीति के एक फॉर्मेट की तरफ से किया गया है और टैब बच्चों को बांट दिए गए हैं ताकि उन्हें समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और अगर वो टीचर से जुड़ना चाहते हैं तो उसके माध्यम से वो जुड़ भी सकते हैं, सिलेबस पूरा उनका जो है टैब में होगा, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं बच्चे भी उत्साहित होंगे। रवि, बिल्कुल, जिस तरीके से टैब्स का जो वितरण किया गया है उसके बाद से बच्चों में भी खासा उत्साह है कि आखिरकार इन टैब्स का जो है वो उपयोग करें और इन टैब्स के जरिए जो है वो अपने स्कूल की पढ़ाई की प्रक्रिया को जो है वो जारी रखें, जिसके मद्देनजर सरकार द्वारा जो है वो टीचर्स को भी जो है वो टैब्स वितरित किए गए हैं ताकि ऑनलाइन क्लासेस जो है वो बच्चों की वो बदस्तूर चलती रहे। अगर छुट्टियां पड़ती भी हैं तो जो सीनियर क्लासेस है उन सीनियर क्लासेस के बच्चों को जो है उनकी पढ़ाई के दरमियान जो है किसी तरीके की दिक्कत ना आए, इसके लिए टीचर्स के साथ साथ बच्चों को भी टैब्स जो है वो वितरित किए गए हैं ताकि उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। जी बिल्कुल, क्योंकि आप फील्ड पर रहते हैं और काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था छात्रों को, अभिभावकों को, बच्चे बीमार भी पड़ रहे थे लगातार गर्मी बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से। तो अभी फिलहाल जब से छुट्टियों का ऐलान हुआ है, क्या कुछ कहना है अभिभावकों का और बच्चों का, क्या कुछ कहना है, क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए, निश्चित तौर पर छुट्टियां जो है वो एक निश्चित अवधि के लिए जो है वो पहले से ही निर्धारित होती हैं, उसके बाद फिर छुट्टियों का जो आगाज किया गया 1 जून से 30 जून तक, उसको लेकर बच्चों में जिस तरीके से छुट्टियों को लेकर जो एक तरह का क्रेज जो है वो बना रहता है, लेकिन खास तौर पर जिस तरीके से टेम्परेचर अगर हम बात करें गंभीर विषयों की, जो टेम्परेचर था उसमें लगातार जो है इजाफा हो रहा था, जिस वजह से खासी परेशानियों का सामना अभिभावकों के साथ साथ बच्चों को भी करना पड़ रहा था, क्योंकि बच्चे ही है जिन्हें बहुत ऐसे सरकारी स्कूल है जहाँ पे अभी भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जिसके चलते बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से सरकार द्वारा जो है टैब्स वितरित किए गए हैं, टैब्स वितरित करने के बाद से अब जो है उनकी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट बच्चे जो है घर बैठे बैठे ही शिक्षा जो है वो ले सकते हैं अपने अध्यापकों के जरिए। जी बिल्कुल रवि, और एक और यहाँ पर राहत की बात है कि अब क्योंकि पहले जितने मामले तो नहीं, लेकिन एक बार फिर से कोरोना जो है वो यूटर्न ले चुका है और मामले जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। ऐसे में ये जो छुट्टी है इनका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि बच्चे जो है वो घर पर ज्यादा सेफ रहते हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो है कोरोना के मामले जो है, अगर हम बात करें कोरोना के मामलों को लेकर, जिस तरीके से कोरोना के मामले एनसीआर के एरिया के अंतर्गत आ रहे थे, उसके मद्देनजर इन छुट्टियों के दरमियान जो है काफी राहत जो है वो अभिभावकों को मिलेगी ताकि उनके बच्चे जो है वो एक सेफ जोन में रहते हैं। सेफ जोन में रहने का मतलब है कि बच्चों पर किसी तरीके का कोरोना का खतरा जो है वो नहीं लगातार बना रहता। तो ऐसे में दोनों ही पक्षों को अगर हम बात करें, सरकार के पक्ष की अगर हम बात करें या फिर हम अभिभावकों की बात करें, तो दोनों ही पक्षों को जो है वो काफी राहत मिलेगी। 1 जून से 30 जून तक का जो समय है, उस समय के दौरान जो है
सरकार अपने स्तर पर जो है जिस तरीके से लगातार जो है वैक्सीनेट बच्चों को किया जा रहा है वो लगातार बदस्तूर जारी रहेगा, तो इससे जो है काफी राहत जो है वो सरकार को भी मिलेगी और साथ ही साथ अभिभावकों को भी निश्चित तौर पर मिलेगी। जी यशपाल यादव, निजी स्कूल संघ सदस्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशपाल जी, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान हो चुका है, किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम चीजें हैं, कितनी राहत बच्चों के लिए, क्योंकि टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था, किस तरीके से देखते हैं इस बार छुट्टियों को? जी, टेम्परेचर तो इस बार बहुत हद से ज्यादा बढ़ गया, गर्मियां ज्यादा हो गई थी, तो छुट्टी तो खैर हो ही जानी चाहिए थी, पहले हो जानी चाहिए थी, अभी सरकार ने 1 तारीख से की है तो 1 तारीख से भी स्वागत है उनका। लेकिन एक बात मैं और कहूंगा कि सरकार को प्राइवेट स्कूलों के ऊपर ज्यादा शिकंजा नहीं कसना चाहिए, उनको उनके हालात पर छोड़ देना चाहिए, इसलिए कि प्राइवेट स्कूल मौसम को देखते हुए, सब चीजों को देखते हुए अपने आप डिसीजन ले लेते हैं। अब सरकार ने जारी किया कि 1 तारीख से और दूसरी 1 तारीख तक, 1 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे, तो उस दौरान अगर अच्छा मौसम हो जाता है, बारिश हो जाती है, ठीक ठाक मौसम हो जाता है, तो प्राइवेट स्कूल डिसीजन ले ले और उसको खोल सकते हैं। और अगर बीच में दौरान में भी, चाहे मई में भी बात हो, मई में भी स्कूलों को बंद किया गया, प्राइवेट स्कूलों ने बंद कर दिया था कि बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, उस टाइम सरकार ने जो है आदेश नहीं दिया बंद करने का, बहुत छोटे बच्चे थे, सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, कितनी अधिक गर्मी हो गई थी, साथ में बिजली की भी प्रॉब्लम हो गई थी। बातें अपनी सामने रखने के लिए फिलहाल उत्तर प्रदेश